Hi viewers, this is Fatima. If you like my recipes, go ahead and click on the subscribe button. Next to it, you will see a bell icon. By clicking on that, you will get notifications for my recipe first and free. If you like the videos, give me a thumbs up. अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूँ फातिमा। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रिल फिश विद येलो राइस। तो चलिए इसको बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने फिश ली है 1 पाउंड और इसको सबसे पहले मैंने पानी में सिरका डाल के इसको मैंने थोड़ा सा वॉश कर लिया ताकि इसकी स्मेल जितनी भी है वो निकल जाएगी। तो आप इस तरीके से इसको वॉश कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया 2 टेबलस्पून पिसा हुआ लहसुन अदरक, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, और स्पाइसेस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ मस्टर्ड सीड, हाफ टीस्पून अजवाइन, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून नमक हस्बे ज़ायक़ा, आप जितना चाहे यूज़ कर सकते हैं कम या ज़्यादा, हाफ टी स्पून गरम मसाला पिसा हुआ लिया है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। तो चलें इसको बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले एक बाउल लेंगे, इसमें हम अपने सारे स्पाइसेस डालेंगे। मैं ये सारे स्पाइसेस एक बाउल में डाल के इसलिए मिक्स कर रही हूँ ताकि ये सारे स्पाइसेस एक जहाँ हो जाएँ। उसके बाद हम सबको मिक्स करके फिर हम इस पर फिश पे हम इसको मसालों को लगाएंगे। साथ हम इसमें लेमन जूस डालेंगे, साथ इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा फूड कलर डालूंगी पिंच में, ऑरेंज कलर। आप ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं इसको। तो बिल्कुल पिंच में मैं डालूंगी इसको और इसको मिक्स कर लूँगी। इससे ज़रा कलर बहुत अच्छा आ जाता है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से आ जाता है। और अब हम इसको फिश पे लगाएंगे और इसको फिर हम 30 मिनट्स के लिए इसको हम मैरिनेट कर लेंगे। तो यहाँ पे फ़िश ले ली है और इसको हम मसाले को डालेंगे। तो हम बिल्कुल अच्छे से लगा लेंगे मसाले को। पहले ऊपर के पोर्शन में लगा लेंगे अच्छे से मसाले को, फिर हम फ्लिप करके इसको नीचे भी लगा लेंगे ताकि मसाला हमारा अच्छे से फिश पे लग जाए। तो हम फ्लिप कर लेंगे। लगाएंगे तो अच्छे से हम लगा देंगे। हम फिश को 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट के लिए रखते हैं। तो हम येलो राइस तैयार करते हैं। चलिए ये राइस को तैयार करते हैं, एटलीस्ट 30 मिनट्स के लिए। तो जब तक हम येलो राइस तैयार करते हैं, और राइस तैयार करने के लिए यहाँ पे हमें ज़रूरत होगी, मैंने यहाँ पे 3 कप चावल को पानी में सोक कर लिया था एटलीस्ट 30 मिनट के लिए। बासमती राइस लिए है मैंने, और इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून चिकन पाउडर लिया है, ऑप्शनल। अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं और इसमें आप चाहें तो चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं। पिंच ऑफ मैंने फूड कलर यूज़ किया है यहाँ पर, येलो पिंच। मैंने इसमें ज़ाफ़रान यूज़ करूँगी, 1 टीस्पून नमक यूज़ करूँगी, इसलिए मैं इसमें कम नमक डाल रही हूँ क्योंकि मैं इसमें चिकन पाउडर यूज़ कर रही हूँ। 6 अदद मैंने छोटी इलायची ली है, 1 बड़ी स्टिक दालचीनी के लिए। तो जब और यहाँ पे 1 मैंने बादियान का फूल लिया है। तो चलें इसको बनाने के लिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने पैन को गर्म कर लिया है और इसमें हाफ कप हम ऑयल डालेंगे। हमने इसमें ऑयल डाल लिया है ½ कप। उसके बाद इसमें हम दालचीनी के स्टिक डालेंगे, बादियान का फूल, छः इलायची, थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे, थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ब्राउन हो गया, इसमें हम 1 कप पानी डालेंगे। इसके साथ इसमें हम चावल डालेंगे। हमने थोड़ा सा और पानी डाल के चावलों को डाल देना। यहाँ पे हमने 3 कप चावल लिया तो इसमें हम 3 कप पानी डाल रहे हैं। इसके साथ ही हम इसमें ज़ाफ़रान, चिकन पाउडर और थोड़ा सा जो हमने फूड कलर लिया था और नमक, वो डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। तो चले मिलते हैं इसमें बॉयल आने तक। यहाँ पे चावल बॉयल हो रहे हैं और इसको अब हम दम पे रख देंगे। तो चले मिलते हैं एटलीस्ट 15 से 20 मिनट के बाद। तो व्यूवर्स, यहाँ पे हमने ग्रिल पैन को गरम कर लिया, इसमें 2 टेबल स्पून हमने ऑयल डाल दिया। इसको हम थोड़ा सा ब्रश कर लेंगे। इसके साथ हम यहाँ पे फिश को डालेंगे। तो हम ग्रिल करेंगे, फ्लिप करेंगे ताकि थोड़ी सी हो जाए 5 मिनट के बाद। यहाँ पे फिश ग्रिल हो रही है अभी, तो हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे। हम थोड़ा सा पलट लेंगे इसको। अभी यहाँ पे हम फिश के साथ ऑप्शनल रखेंगे 2 टमाटर, 2 मीडियम प्याज और 2 हरी मिर्च। इससे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और इस तरीके से हमने फिश को फ्लिप कर लिया है। हल्का हल्का हम प्रेस करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि ये टूट जाती है वरना। फिश यहाँ पर हो गई है, अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पे टमाटर और प्याज और हरी मिर्च जो हमने डाली थी वो सॉफ्ट हो गई है। अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं, इसको इस प्लेट में। इसको फ्लेम करेंगे हम ऑफ। चावल को देखते हैं। यहाँ पे हम अब चावलों को चेक करेंगे। हमें यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं। तो चलो खोल के देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे चावल हो गए हैं। तो चलो इसको अब डिश आउट। तो यहाँ पे हम चावलों को डिश आउट करेंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे फिश रेडी है और इसके साथ येलो राइस रेडी है। तो चलें इसको मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसी बनी है। इतनी सॉफ्ट है, आप देखें इसका टेक्सचर। थोड़े से मैं राइस लूँगी। बहुत ही मज़े की है, स्पाइसी भी है, बहुत सॉफ्ट है और स्पेशली ये येलो राइस के साथ ही बहुत ही मज़े की आ रही है। और इसमें जो लेमन जूस हमने यूज़ किया था उसका एक अलग ही मज़ा आ रहा है इसके अंदर। तो आप इस रेसिपी को प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो थम्स अप कीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। दुआ में याद रखिएगा, बहुत अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।